को दो परीक्षाएं होंगी और दो परीक्षा में पहले तो यह होगा, इसी को मैं बता चुका, तो 23 और 24 मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर तारीख तक घोषित कर दी। अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने किसी परीक्षा की तारीख नहीं घोषित की थी विधानसभा में। इसका मतलब यह मान के चलिए कि अब यह परीक्षा 23 और 24 जुलाई को होगी। तो विपक्ष तो चाहता है कि यह परीक्षाएं हो ही नहीं और सरकार की बदनामी होती रहे, और सरकार चाहती कि हर हालत में परीक्षाएं हो और लोगों को नौकरी दें और हम यश बटोरे। सरकार चाहती और हम भी चाहते हैं, सरकार रोजगार देना चाहती हम रोजगार लेना चाहते, इसलिए जो गंभीर होशियार बच्चे हैं ये उनके पक्ष में है और वे मान करके चले कि परीक्षा 23 और 24 जुलाई को होकर रहेगी, 23 और 24 जुलाई को होकर रहेगी। क्योंकि हम तो नकारात्मकताओं में फंस जाते हैं ना, अरे यूं ही कहा है फिर होगी नहीं। आप सोचिए अभी आरएस के एग्जामिनेशन को सरकार ने किस तरह से चाहा था कि आगे नहीं खिसके, क्योंकि आगे खिसकने का मतलब फिर सरकार बस खिसकता ही जाएगी। एक वो उस वातावरण को खत्म करना चाहती थी सरकार कि हम परीक्षाओं की तिथियां आगे नहीं खिसकाएंगे। ये तो राजस्थान हाईकोर्ट के डिसीजन की वजह से चेंज हुआ, इसलिए आप स्पष्ट समझ लीजिए कि यह परीक्षा 23 और 24 जुलाई को होगी। हमारे पास में बस 5 महीने भी नहीं बचे, 4.5 महीने बचे हैं। अब इसके 20 अंक जुड़ेंगे, मैं आपको कह चुका हूं यह परीक्षा अक्टूबर नवंबर को होगी और मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होगी, और इसमें 100 अंक, इसके 100 अंक इसके होंगे और 20 अंक इसके होंगे, और इस 100 अंक में से 40 से 50% किसके होंगे, रीट के होंगे। इसलिए पहले आप इसको तैयार कीजिए और जो बाकी बचा हुआ है उसको बाद में तैयार कीजिए। अगर इस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे आप तो आप इस परीक्षा में अधिक अच्छे अंक ले सकेंगे। वो 20 पर है और ये 100 और 20 पर है, ये भर्ती परीक्षा है, इसमें से 40 से 50% इसमें, बस इतनी सी बात है, 30% इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। भर्ती परीक्षा वो कॉम्पिटिशन की परीक्षा है, रीट में निगेटिव मार्किंग नहीं है, वो पात्रता परीक्षा है और इसीलिए तो उसकी न्यूनतम परसेंटेज 60 रखी है। आप देखिए उसका लेवल कितना रखा, न्यूनतम 60, नौकरी तो 40% 45 वाले को मिल जाती है लेकिन एलिजिबिलिटी 60 पर मिलेगी, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए 10-5 प्रश्न तो उसमें तुक्के से भी हम लोग ले लेते हैं और 60 ले लेते हैं। तो आप देखिए इसमें, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसका मतलब बहुत सावधानी से काम करने की जरूरत है, और इसलिए रीट को पहले से ज्यादा मजबूत करने की चक्कर है। रीट के आप 90% में मत खोलिए, अगर रीट में 90% आ गया तो कंपटीशन में 10% का 33% यानी 3% निगेटिव मार्किंग होगी, और तब ये 90 नहीं रहेगा, 87 हो जाएगा। क्यों? निगेटिव मार्किंग होगी, रीट के प्रश्नों में भी निगेटिव मार्किंग होगी। यहां अगर बिना निगेटिव मार्किंग के आपको सर 90% मिल गया है तो मेन परीक्षा में समझिए आप 87 के लायक। अगर आपने 10% प्रश्नों को गलत कर दिया है वहां निगेटिव मार्किंग होगी, यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये जो स्थिति बहुत साफ हो गई है, बजट में स्थिति हो गई, 62,000 पदों को उन्होंने कहा है और उसमें से 15,500 पदों पर अभी अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, 2-1 महीने में नौकरियां लग जाएंगी रीट लेवल फर्स्ट वालों की। ये 46,500 पद रह गए और इस 46,500 में देखो ये जो 46,500 पद हैं उसमें से 16,500 तो पद तो वो हैं पुराने जो कि परीक्षा रद्द हो गई, वो तो खाली पड़े रीट लेवल 2 के। इसके बाद सरकार ने नए पद 30,000 और जोड़ दिए और ये पद हो गए 46,500। अब 46,500 होने वाला रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में, और रीट लेवल सेकंड के लगभग 20,000 पद होंगे 30 में से, और रीट लेवल फर्स्ट के 10,000 होंगे। रीट लेवल फर्स्ट के 15,500 तो अभी अपॉइंटमेंट है और 10 और निकलेंगे अभी, तो ये तो हो गए 25,500 रीट लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूं। रीट लेवल फर्स्ट वाले कौन है, हाथ खड़ा करें आप। जी हां, आपके पास 15,500 में तो हो गए अपॉइंटमेंट और अब 10,000 पद लगभग और आएंगे रीट लेवल फर्स्ट के, अंदाजन बता रहा हूं मैं, मोटा मोटा अंदाजा। और रीट लेवल सेकंड वाले कौन कौन है, हाथ खड़ा करें। जी हां,
आपके लिए पद कितने हैं? 16.5 तो ये हैं और 20,000 ये हैं, करीब 36,500 पद आपके लेवल 2 के होने हैं, 36,500। उसमें से सोशल साइंस के होंगे ज्यादा और सोशल साइंस के भी होंगे, इसका विभाजन आगे होगा, लेकिन 36,500 पद है। अपने को इन बहुत ज्यादा पदों से कोई मतलब नहीं और कॉम्पिटिटर से कोई मतलब नहीं, अपने को तो हम अकेले हैं और हमें कितने पद चाहिए?